में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीन बातों का जिक्र करते हुए जनता से कहा कि मुझे इन तीन तराजुओं पर तौलते रहना और कमी दिखे तो कोसते रहना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी काम बदनीयत से नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ देशवासियों के लिए है। जनता जब भी मेरा मूल्यांकन करे, इन तीन तराजुओं पर मुझे कसते रहना। कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते भी रहना, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बातें बीत चुकी हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, विरोधियों को भी साथ लेकर चलना है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है, संविधान का भाव पकड़ते हुए चलना है। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता ने इस फकीर की झोली तो भर दी, आशा और आकांक्षाओं के साथ भरी है, मैं जानता हूं और मैं इस गंभीरता को भी समझता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि जनता ने 2014 में कम जानते हुए भरोसा किया और 2019 में ज्यादा जानने के बाद मुझ पर भरोसा किया। मैं इसके पीछे की भावना को भलीभांति समझता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश ने जो दायित्व दिया है उसके लिए मेरा वादा है कि मैं बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा।